बंगाल हिंसा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश बीजेपी ने केंद्र सरकार को खत लिखा था। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने खत लिखा था। बंगाल हिंसा को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई थी और इसी खत को लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार को खत लिखा गया था कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए आप जरूरी दिशा निर्देश दीजिए। तो इसी को लेकर अब बंगाल हिंसा पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। प्रदेश बीजेपी की ओर से जो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी उसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा था कि बंगाल हिंसा को लेकर जो स्थिति बनी है उस पर ध्यान दीजिए और इसी खत को लेकर यह रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने मांगी है। बंगाल में जो हिंसा भड़की, किन कारणों से भड़की, कौन साजिश करता थे, क्या वजह रही कि बंगाल में कानून व्यवस्था इस हद तक बिगड़ गई, इन सब का जवाब मांगा गया है और राज्य सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है केंद्र सरकार ने। बंगाल हिंसा को लेकर जो खत लिखा गया था प्रदेश बीजेपी की ओर से उसी खत को लेकर यह रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट मांगी गई है। अब राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी जिसमें किस तरह से बंगाल में हिंसा भड़की और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है, इसके बारे में डिटेल्स साझा की जाएंगी। रानिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। रानिक, ये जो सवाल पूछे गए हैं इस रिपोर्ट में वो जरा बताइए कि केंद्र सरकार ने क्या पूछा है राज्य सरकार से और साथ ही उस चिट्ठी में क्या लिखा गया था जो प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई थी। एकदम, देखिए 30 तारीख से कल तक यानी करीब 5 दिन हो चुके हैं। शिवपुर और हुगली इस तरीके का जो घटना बार बार से सामने आ रहा था, शिवपुर में 2 दिन तक हिंसा का घटना सामने आ रहा था और उसके बाद हुगली में 3 दिन तक लगातार जो हिंसा का घटना बार बार से सामने आ रहा था, इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से, स्टेट बीजेपी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखा गया था, होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखा गया था। अमित शाह के साथ बात भी किए थे सुकांत मजूमदार, उन्होंने बोला था कि बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी है वो टूट पड़े हैं, उनके ऊपर नजर दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर स्टेप ले। इसके बाद ही देखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पास एक चिट्ठी आया और उसके बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो 2 जगह में यानी हावड़ा शिवपुर और हावड़ा हुगली का 2 जगह रिष्टा और महेश, ये जगह में जो हिंसा का घटना घटा है, जो जिस तरीके का तस्वीर सामने आया है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितना टाइम में हुआ था और कितने दिन तक चले, पुलिस कितना उधर मौजूद था, क्या क्या एक्शन लिया गया था, उधर 144 लागू है तो कौन सा एरिया में 144 लागू है, 144 रहते हुए किस तरीके से मॉब गैदरिंग हुआ, क्यों पुलिस का नजर में नहीं आया, एयू का काम क्या था, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या काम कर रहे थे, इतना जो पत्थरबाजी हुआ था, जो रेल के ऊपर आक्रमण भी हुआ था उसी टाइम में पुलिस क्यों काम नहीं सही तरीके से कर रहा था। जानते ही है कि हुगली का जो ये घटना में 3.5 घंटे के ऊपर रेल को भी रोका गया था, रेल के ऊपर भी आक्रमण किया गया था, रेल गेट को भी तोड़फोड़ किया गया था, इस घटना के ऊपर भी रिपोर्ट मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट मांगा गया है कि कल के अंदर ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल को देना पड़ेगा। अमित शाह ने खुद ये रिपोर्ट मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से और उसके साथ साथ ही गवर्नर की तरफ से भी जो होम सेक्रेटरी है उनको भी बोला गया है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि किस तरीके से ये घटना हुआ, इसका जर्क क्या है और ये दोनों घटना के बीच में कोई लिंक है कि नहीं, और इस घटना के बाद दूसरा जिस जगह में सेंसिटिव जोन है, जो सेंसिटिव जोन है उसमें क्या स्टेप लिया जा रहा है, यानी इसके पहले भी 2-3 जगह में इस तरीके का घटना घटा था, उसको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया था और सेंसिटिव जोन में क्या क्या बंदोबस्त किया जा रहा है इस बारे में भी जानना चाहा है गवर्नर, और गवर्नर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिपोर्ट मांगा गया है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार करके कल तक सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल, खुद राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया जहां पर हिंसा भड़की थी। अभी ये बताइए कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात सामान्य हो गए हैं, जहां शांति है और कहां अभी भी तनाव है।
देखिए हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 30 और 31 तारीख जो हावड़ा शिवपुर में जो घटना घटा था उसके बाद 144 लागू कर दिया गया था, इंटरनेट परिसेवा भी बंद कर दिया गया था। अभी हावड़ा पुलिस का कहना है कि शिवपुर का परिस्थिति अभी सामान्य है, स्वाभाविक है, पूरा नॉर्मलाइज हो चुका है। शिवपुर का जो 144 है वो 144 रहेगा, मगर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। मगर हुगली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 75% कंट्रोल में आ चुका है और अभी जो रूट मार्च का प्रक्रिया पुलिस की तरफ से एरिया डोमिनेशन की जो प्रक्रिया वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही बार बार से पुलिस की तरफ से माइकिंग भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से झमेला ना हो। कल रात से जो हुगली का रिश्रा, महेश और श्रीरामपुर ये तीनों जगह में 144 लागू कर दिया गया है, 144 चल रहा है, इंटरनेट परिसेवा भी बंद है और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग भी जारी है। कल रात से परिस्थिति स्वाभाविक है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस घटना में बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, सीसीटीवी फुटेज गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है। उसके साथ साथ ही राजभवन का जो स्पेशल टीम है, जो स्पेशल टीम इस बारे में जांच कर रहे हैं, उनको भी भेजा गया है ये रिपोर्ट। और उसके साथ साथ ही चंद्रनगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कहा जा रहा है बहुत सारे आदमी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे लोगों को यो तस्वीर से आइडेंटिफाई कर दिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी जारी है। और बिल्कुल रानिक, डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है हिंसा को लेकर। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्या कुछ उसमें कहा जाएगा देखना होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।